सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सिरमौर, शिमला और सोलन के रोगी अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहां आकर उन्हें बेहद निराशा ही हासिल होती है, क्योंकि यहां आकर उन्हें चिकित्सकों के दर्शन नहीं होते हैं, जिसकी मुख्य वजह है कि अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है। जहां एक ओर सोलन अस्पताल में 22 चिकित्सक होने चाहिए, वहीं महज 17 चिकित्सकों से काम चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि सोलन अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ समय पहले ही सोलन की जनता को आश्वासन देकर गए थे, लेकिन विडंबना है कि उनके आश्वासन के बाद चिकित्सक ज्यादा होने की बजाय लगातार कम होते जा रहे हैं। रोष प्रकट करते हुए इलाज करवाने आए रोगियों और तामीरदारों ने कहा कि वे दूर दूर से इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहां चिकित्सक नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वे जहां उनके समय की बर्बादी हो रही है, वहीं आने जाने का पैसा भी खर्च होता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द अस्पताल में चिकित्सकों की तैनाती करके लोगों को होने वाली असुविधा से मुक्ति दिलाएं। डॉक्टर की वजह से मरीज जो है हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इधर उधर बैठे रहते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं, डॉक्टर मिलते ही नहीं हैं। जितने डॉक्टर हैं उतने भी उनको डबल डबल ड्यूटी है, इसलिए उनकी मतलब केयर ही नहीं होती पेशेंट की। हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर भिजवाए जाएँ, जिससे कि हमारे हॉस्पिटल की तरक्की हो और पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक हों। छत्तीसगढ़ से आया हूँ, लगभग 60-65 किलोमीटर दूर से डॉक्टर कमल से, लेकिन यहाँ डॉक्टर है नहीं। जितनी बार भी आए कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ से मिस रहता है, टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। ऐसे हालत में मरीजों का क्या होगा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए।